हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास BIOCH 311 फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है। तो उसमें हम आज लेक्चर नंबर 8 है हमारा, और आज हम बात करेंगे माइक्रो प्रोपागेशन मेथड्स, माइक्रो प्रोपागेशन का मेथड और उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे इसको करते हैं। फिर हम उसके बाद में बात करेंगे ऑर्गोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस, क्योंकि ये माइक्रो प्रोपागेशन मेथड जो है इसी में ही आएंगे। आपके टॉपिक में वैसे अलग से दे रखा है ना, ये एम्ब्रियोजन ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस, तो साथ साथ हम इनके भी बात कर लेंगे और माइक्रो प्रोपागेशन मेथड की। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट। तो माइक्रो, सबसे पहले हम जानते हैं कि माइक्रो प्रोपागेशन होता क्या है। प्लांट्स कैन बी प्रोपागेटेड बाय सेक्सुअल, प्लांट को हम कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से प्रोपागेट कर सकते हैं। कैसे, जो हमारा प्रोपागेशन होता है, प्रोपागेशन ये दो तरीके से हो सकता है। कैसे, एक तो हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और दूसरा हो सकता है सेक्सुअल प्रोपागेशन। तो ये दो तरीके का प्रोपागेशन होता है, मेनली प्रोपागेशन वेजिटेटिव प्रोपागेशन और सेक्सुअल प्रोपागेशन। तो हम बात करेंगे आज वेजिटेटिव प्रोपागेशन की। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन द्वारा, तो ये क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन द्वारा जब हम नया प्लांट कोई करते हैं, कोई नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, और कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं वेजिटेटिव में, जैसे वेजिटेटिव जब हम प्रोपागेशन कर रहे हैं किसी कोई प्लांट का, ये हमारा मदर प्लांट है और ये हमारा क्या है, मदर प्लांट। हमने इससे बहुत ही माइक्रो, मान लो इससे बहुत ही छोटा सा हिस्सा लिया और उससे प्लांट प्रोड्यूस कर दिया। इस प्लांट को क्या किया, ये जो हिस्सा है माइक्रो, ये जो हमारा पार्ट है, माइक्रो पार्ट है प्लांट का, उसको हमने यूज किया और इसको, और इसको हम क्या कहते हैं, क्लोन भी तो कहते हैं। इसके द्वारा जो प्लांट होगा कि हमने इससे बहुत ही छोटा माइन्यूट हिस्सा लिया, माइक्रो लिया, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा, और इससे हमने क्या किया, प्लांट प्रोड्यूस कर दिया, न्यू प्लांट तैयार हो गया हमारा ये। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लोन भी कहते हैं। और ये सारी प्रक्रिया कहाँ होती है, इन विट्रो कंडीशन में होती है, ये सारी प्रक्रिया इन विट्रो कंडीशन में होती है। तो इसको हम फिर, जब ये सारी प्रक्रिया जब इन विट्रो कंडीशन में कहते हैं, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इन विट्रो क्लोनल प्रोपागेशन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपागेशन। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए हम क्या कहते हैं, प्रोपागेशन। और जब हम मदर प्लांट के सूक्ष्म भाग का उपयोग करके जब नया प्लांट तैयार करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जब हमने मदर प्लांट है ये हमारा, इसका बहुत ही सूक्ष्म भाग हमने लिया, ये सूक्ष्म भाग हमने लिया और उससे क्या किया, ये पार्ट लिया, माइक्रो पार्ट इतना से ले लिया, माइक्रो पार्ट लिया प्लांट का, उसे हमने कल्चर कराया, उससे हमने नया प्लांट बना लिया, तो इसको क्या कहते हैं हम, माइक्रो प्रोपागेशन कहते हैं। और ये जो प्लांट बनता है वो क्या होता है, क्लोन बनता है, और इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, क्लोनल प्रोपागेशन भी कहते हैं, इन विट्रो प्रोपागेशन ऑफ क्लोन या क्लोनल प्रोपागेशन ऑफ इन विट्रो कंडीशन इज कॉल्ड एज क्लोनल प्रोपागेशन या माइक्रो प्रोपागेशन। तो ये बात हो गई हमारी माइक्रो प्रोपागेशन की, कि क्या होता है माइक्रो प्रोपागेशन। तो इसके बाद हम बात करते हैं इनके स्टेज की, इसमें स्टेज कौन कौन सी होती है, स्टेज ऑफ माइक्रो
प्रोपागेशन। स्टेजेस कौन कौन सी हैं इसमें माइक्रो प्रोपागेशन में? तो इसमें जो माइक्रो प्रोपागेशन होता है इसमें चार स्टेजेज होती हैं। तो वो स्टेज कौन कौन सी हैं, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है, ये होती है जीरो स्टेज, हम बोलते हैं इसको। फिर स्टेज वन, स्टेज टू और स्टेज थर्ड और स्टेज फोर। तो ये फिर हो गई स्टेज फोर हो गई। तो पहली स्टेज में हम क्या करते हैं इसमें, तो ये माइक्रो प्रोपागेशन की चार स्टेज हो गई, स्टेज वन, ज़ीरो, स्टेज टू, स्टेज थ्री और स्टेज फोर। तो स्टेज वन में हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट। हम पहली जो जीरो स्टेज होती है उसमें हम प्रिपरेशन करेंगे किसका, एक्सप्लांट का। वो एक्सप्लांट क्या होगा, मदर प्लांट से हम क्या करेंगे, ये हमारा मदर प्लांट है और इससे हमने कोई पार्ट लिया है माइक्रो, और उससे हमने जो प्रोपागेशन है वो क्या होगा, मदर प्लांट का प्रिपरेशन होगा। फिर सेकेंड स्टेज आएगी, तो हमने मदर प्रिपरेशन कर लिया स्टेज जीरो में मदर प्लांट का, और इसके बाद क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कल्चरिंग, स्टार्ट कल्चरिंग। सेकेंड फर्स्ट स्टेज में हम फिर क्या करेंगे, कल्चरिंग करा देंगे। और वो कैसे कराएंगे, ये है ये हमारा ग्लास वेयर है, इसमें जैसे बीकर या कॉनिकल फ्लास्क या बीकर ले या पैटरी डिश हम ले सकते हैं, जो भी हम यूज करते हैं। वैसे कॉनिकल फ्लास्क हमने ले लिया, उसमें हमने क्या किया, मदर प्लांट का जो भी है ये कल्चरिंग करा दी। फिर कल्चरिंग के बाद क्या होगा, इसमें कल्चर कराने के बाद इसमें क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा या सूट का फॉर्मेशन होगा। न्यूट्रेंट मीडियम है ये हमारा, न्यूट्रेंट मीडियम, और ये क्या है हमारा, एक्स प्लांट का पार्ट या पहल। फिर इसमें क्या होगा, दो तरीके से होगा, या तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा या सूट का फॉर्मेशन होगा, या सूट का फॉर्मेशन होगा। फिर इसमें क्या होगा, स्टेज सेकंड में या तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा या फिर सूट का फॉर्मेशन होगा। और जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो उसमें क्या होगा, थर्ड में जर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियो या फॉर्मेशन ऑफ रूट का होगा, जो थर्ड स्टेज है हमारी, इसमें होगा क्या, जर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियो या रूट फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद ये क्या होगा, प्लांट जब जर्मिनेशन हो जाएगा तो ये प्लांट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, रूट का फॉर्मेशन हो गया, तो ये प्लांट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफर इनटू ग्रीन हाउस। फिर हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे ग्रीन हाउस में, प्लांट जो हमारा होगा उसको हार्डनिंग के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे ग्रीन हाउस में। और जो ग्रीन हाउस में ट्रांसफ़र करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जब हार्डनिंग हो जाएगी तब हम इसको नेचुरल फील्ड में उतारेंगे। तो ये क्लोनल प्रोपागेशन की क्या है, क्लोनल प्रोपागेशन इज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इंडिविजुअल प्लांट। तो ये एक कैसी है, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज, मतलब जो क्लोन होता है उसकी कॉपी, उसके क्लोन क्या होती है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है वो भी, तो उनकी जो कॉपी होती है उसको हम क्या करते हैं, असेक्सुअली रिप्रोडक्शन द्वारा प्रोपागेट कराते हैं। किसके थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा, जो माइक्रो प्रोपागेशन में आता है।
और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इन विट्रो क्लोनल प्रोपागेशन थ्रू टिश्यू कल्चर इज रिफर्ड टू एज माइक्रो प्रोपागेशन, इसलिए हम इसको माइक्रो प्रोपागेशन कहते हैं। एंड माइक्रो प्रोपागेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ रैपिडली मल्टीप्लाइंग स्टॉक प्लांट मटेरियल टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी प्लांट्स यूजिंग मॉडर्न प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड्स। और ये माइक्रो प्रोपागेशन जो प्रैक्टिस है, मेथड है, वो बहुत ही अच्छा मेथड है अधिक संख्या में पौधों को मल्टीप्लाइंग करने के लिए और तेज़ी से, रैपिडली मतलब तेज़ी से मल्टीप्लाई, मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए स्टॉक प्लांट मटेरियल, जो हमारा प्लांट का जो मटेरियल है वो जो हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है, तो उसको हम प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी प्लांट्स, उससे हम बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में पौधे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और माइक्रो प्रोपागेशन इज यूज्ड मल्टीप्लाइंग नोबल प्लांट्स सच एज, मतलब नोबल मतलब नए प्लांट को, माइक्रो प्रोपागेशन हम यूज करते हैं मतलब नए प्लांट को डेवलप करने में, दोज दैट हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड आर ब्रेड थ्रू कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स, जो कि कैसे हो, हैज़ बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड या ब्रिड, या उनकी ब्रीडिंग कराई गई हो किसके द्वारा, कन्वेंशनल ब्रीडिंग द्वारा, ऐसे प्लांट हम, ऐसे नए प्लांट का हम इसके द्वारा प्रोपागेशन कराते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाई हो या कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग द्वारा डेवलप कराए गए हों। इट इज़ आल्सो यूज टू प्रोवाइड ए सफिशियंट नंबर ऑफ प्लांटलेट फॉर प्लांटिंग फ्रॉम ए स्टॉक प्लांट विच डज नॉट प्रोड्यूस सीड और डज नॉट रिस्पॉन्स वेल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और इसके, इसका यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रोवाइड सफिशियंट नंबर ऑफ प्लांटलेट प्लांटिंग फ्रॉम ए स्टॉक प्लांट, जो स्टॉक प्लांट है हमने उससे भी अपने प्लांट को, इन जो हमारे पास स्टॉक मटेरियल है उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं। और जो ऐसे प्लांट जो सीड प्रोड्यूस ना करते हों उनका हम इसके द्वारा मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, जैसे बहुत अधिकतर माइक्रो प्रोपागेशन क्या है वो हॉर्टिकल्चरल प्लांट में, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में ज़्यादातर यूज होता है। और आर डज नॉट रिस्पॉन्ड विल वेजिटेटिव, और कुछ पौधे ऐसे जो वेजिटेटिवली भी रिस्पॉन्स नहीं दे, तो उनको हम माइक्रो प्रोपागेशन द्वारा हम उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टेक्निक क्या है माइक्रो प्रोपागेशन की, माइक्रो प्रोपागेशन इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एज मेनली इन्वॉल्व 5 stages, एक एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है और इसमें 5 stage इन्वॉल्व होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं तो देख लेते हैं। स्टेज जीरो जैसे हमने अभी बताया था, इसमें क्या करते हैं, दिस इज इनिशियल स्टेप, ये सबसे पहली इनिशियल स्टेप है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मदर प्लांट से जो हमारा मटेरियल होता है, माइक्रो जो भी हम जितना जो भी मटेरियल लेते हैं वो सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। एंड इन्वॉल्व द सिलेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ स्टॉक प्लांट फॉर अबाउट 3 months अंडर कंट्रोल कंडीशन। और इसमें हम क्या करते हैं, हमने स्टेप फर्स्ट में माइक्रो प्रोपोगेशन में क्या किया, सिलेक्ट किया और ग्रोथ स्टॉक में प्लांट को 3 महीने के लिए कंट्रोल कंडीशन में रख दिया। फिर स्टेज फर्स्ट, इन दिस स्टेज द इनिशिएशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कल्चर इन ए सुटेबल मीडियम इज अचीव्ड एंड सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट एक्सप्लांट इज इम्पॉर्टेंट। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं एक्सप्लांट का। फिर द मोस्ट कॉमनली यूज एक्सप्लांट आर ऑर्गन सूट टिप एंड एक्जिलरी बर्ड्स, यहाँ पे हम कोई भी ऑर्गन यूज कर सकते हैं, सूट टिप या एक्जिलरी बर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आता है स्टेज सेकेंड, तो स्टेज सेकेंड में हम देखते हैं क्या है। स्टेज सेकेंड में क्या होता है, इन दिस स्टेज द मेजर एक्टिविटी ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन अकर्स इन डिफाइन कल्चर मीडियम एंड स्टेज सेकेंड मेनली इन्वॉल्व मल्टीप्लिकेशन ऑफ सूट और रैपिड एम्ब्रियो फॉर्मेशन द एग्प्लांट। फिर स्टेज थर्ड, इन दिस स्टेज इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ सूट टू ए मीडियम फॉर रैपिड डेवलपमेंट इन टू सूट्स एंड समटाइम्स इन द सूट आर डायरेक्टली प्लांटेड इन सॉइल टू डेवलप रूट्स। स्टेज थर्ड में क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, या वो स्टेज जैसे हमने पिछले स्लाइड में बताया था कि रूट सूट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है या सूट का फॉर्मेशन।
फिर स्टेज थर्ड में हम क्या करते हैं, इसमें ट्रांसफ़र करते हैं सूट इन ए मल्टी मीडियम फॉर ए रैपिड डेवलपमेंट, या तो मीडियम में कर देते हैं इस जो सूट है उसको, या किस कभी कभी हम क्या करते हैं डायरेक्टली सॉइल में कर देते हैं, सॉइल टू डेवलप रूट, या रूट डेवलप के लिए हम ये जो सूट होता है उसको हम सॉइल में कर देते हैं। इन द इन विट्रो रूटिंग ऑफ सूट्स इज प्रिफर्ड वाइल साइमल्टेनियसली हैंडलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज। और हम जो सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड करते हैं कि इन विट्रो कंडीशन में ही रूटिंग कराई जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांट अगर नंबर ऑफ स्पेसीज होती हैं तो वो डायरेक्ट सो रूटिंग के लिए उस पर डायरेक्ट रूटिंग के लिए सॉइल में प्रेफर नहीं किया जाता है। फिर स्टेज फाइव में, दिस स्टेज इन्वॉल्व द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट लाइट इन सॉइल। इसमें इन प्लांट को सॉइल में कर देते हैं, ग्रीन हाउस में ट्रांसफ़र करें। दिस इज डन ट्रांसफरिंग द प्लांट लाइट स्टेज ऑफ थर्ड फ्रॉम ए लेबोरेटरी टू इन्वायरमेंट ऑफ ग्रीन हाउस। तो हम इसमें लास्ट स्टेज में ग्रीन हाउस में प्लांट को हम क्या करते हैं ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर स्टेज फाइव क्या है, इन दिस स्टेज द मेजर एक्टिविटी ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन अकर्स इन डिफाइंड कल्चर मीडियम। स्टेज सेकेंड मेनली इन्वॉल्व मल्टीप्लीकेशन ऑफ सूट और रैपिड एम्ब्रियो फॉर्मेशन फ्रॉम द एग्स प्लांट। फिर ये स्टेज थी जो हम बताई चुके हैं आपको पहले भी। अप्रोचेज कौन कौन सी हैं माइक्रो प्रोपागेशन की अप्रोचेज वो हम देखते हैं। तो पहले आता है मल्टीप्लीकेशन बाय एक्जिलरी बड, मल्टीप्लीकेशन बाय एक्जिलरी बड या एपिकल सूट द्वारा। तो इसका मल्टीप्लीकेशन हम करा सकते हैं माइक्रो प्रोपागेशन में मल्टीप्लाई बाय एक्जिलरी बड्स और एपिकल सूट्स द्वारा, या मल्टीप्लीकेशन बाय एडवेंटेटियस सूट्स या एडवेंटेटियस सूट्स द्वारा भी हम करा सकते हैं। बिसाइड द अबव टू अप्रोचेज ऑफ द प्लांट रीजेनरेशन प्रोसेस नेमली ऑर्गेनोजेनेसिस एंड सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में आल्सो बी ट्रीटेड एज माइक्रो प्रोपागेशन। इसमें जो दो अप्रोचेज हैं वो प्लांट का रीजेनरेशन प्रोसेस नेमली एज, इनको रीजेनरेशन होती है उनको हम क्या कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस एंड सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, आल्सो ट्रीटेड एज माइक्रो प्रोपागेशन, उसको भी माइक्रो प्रोपागेशन की तरह ही हम देखते हैं। तो थर्ड स्टेज है ऑर्गेनोजेनेसिस और सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है कि ऑर्गन का फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गन्स, ऑर्गन मतलब अंगों का बनना प्लांट के, सच एज सूट रूट डायरेक्टली फॉर्म एंड एक्स प्लांट आर फॉर्म द कैलस एंड कैलस या सेल कल्चर इंड्यूस द एक्स प्लांट। तो ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है, जैसे ऑर्गन ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन का फॉर्मेशन, वो किससे हो सकता है सच एज जैसे वो कैसे ऑर्गन का कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सूट रूट डायरेक्टली फ्रॉम है मतलब डायरेक्ट बन सकते हैं एक्स प्लांट से, या फ्रॉम द कैलस जैसे पहले कैलस का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद सूटिंग और रूटिंग हुई लीफ बनी, या सेल कल्चर हमने कराया उसके बाद रूटिंग और सूटिंग हुई फ्रॉम द इंड्यूस फ्रॉम द एक्स प्लांट जो हमने एक्स प्लांट को यूज किया था, तो वो ऑर्गेनोजेनेसिस हो गई। फिर सोमैटिक एम्ब्रियो, फिर इसमें क्या होता है सब जैसे यहाँ पे हो रहा था कि डायरेक्ट ऑर्गन बन गए किससे कैलस से, या डायरेक्ट सूट रूट फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे क्या होगा वो एम्ब्रियो बनेगा। द रीजेनरेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सोमैटिक सेल, यहाँ पे सोमैटिक सेल जो यूज होंगी वहाँ क्या बनेगा, सबसे पहले सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बनेगा टिश्यू और ऑर्गन से, वो चाहे टिश्यू हो या कोई ऑर्गन हो उससे सोमैटिक, और जो सोमैटिक सेल्स होती हैं तो उनसे क्या रीजेनरेट होगा एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो के बाद प्लांट का रीजेनरेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा फिर एम्ब्रियो क्या होगा जर्मिनेट होगा फिर रूट और सूटिंग व फॉर्मेशन होगा, तो उसको हम कहते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बाय एक्जिलरी बड या बड एपिकल सूट, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पहला मेथड है वो कैसे, और ये हम क्यों यूज करते हैं वो भी हम बताएंगे आपको। ये क्या है एक्जिलरी बड, जैसे ये लीफ है ये लीफ निकली है और यहाँ पे ये बड है जो, तो इसको हम क्या कहते हैं एक्जिलरी बड कहते हैं, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं इसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्जिलरी बड या एपिकल सूट। एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट इन द एक्जिलरी बड एंड एपिकल सूट। यहाँ पे क्या होता है जो एक्जिलरी बड्स होती हैं
यहाँ पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, क्या हुआ वो उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा बहुत तेज होती है स्पीड उनकी, मतलब वो तेजी बहुत तेज स्पीड से ग्रो करती हैं, इसीलिए हम उनको यूज करते हैं मेरिश और इसीलिए मेरिस्टेम कल्चर जो होता है उसमें भी एपिकल या सूट टिप कल्चर द्वारा मेरिस्टेम कल्चर कराते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि डिजीज फ्री या वायरस फ्री प्लांट प्राप्त हो जाते हैं। एंड द एक्जिलरी बड लोकेटेड इन एक्जिल ऑफ लीव्स आर कैपेबल टू डेवलपिंग इन सूट्स, और जो लीव सेथ होती है यहाँ पे भी एक्जिलरी वर्ड्स जो होती हैं वो भी प्रेजेंट होती है। एक्जिलरी वर्ड लोकेटेड इन द एक्जिल ऑफ लीव्स आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू सूट्स, यहाँ पे ये जो एक्जिलरी वर्ड है यहाँ पे होती हैं। फिर वाई मीन्स इंड्यूस इन विट्रो मल्टीप्लिकेशन इन माइक्रो प्रोपागेशन, इन इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप प्लांट्स फ्राम मेरिस्टेम एंड सूट टिप कल्चर फ्राम बड कल्चर्स। फिर दूसरा आता है सूट टिप कल्चर, इसमें हम सूट टिप कल्चर का कल्चर कराते हैं। सूट टिप में क्या होता है कि जो सबसे ऊपरी भाग होता है, सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, एकदम टॉप का सूट होता है, सूट का टॉप हिस्सा, उसका हम क्या करते हैं कल्चर कराते हैं, तो वो सूट टिप कल्चर में आता है। फिर मेरिस्टेम और सूट टिप इज आइसोलेटेड फ्रॉम ए स्टेम, फिर ये मेथड है इसकी कि मेरिस्टेम और सूट टिप इज आइसोलेटेड फ्रॉम ए स्टेम वी सेफ कट में हम इसको निकाल लेते हैं। फिर दिस द साइज फ्रिक्वेंटली 0.22-0.5 mm, इसका साइज 0.22-0.5 mm होगा ऑफ द टिप इज क्रिटिकल फॉर कल्चर, जो हम टिप को कल्चर कर रहे हैं। फिर इन जनरल द लार्जर द एक्सप्लांट सूट टिप द बेटर आर द चांसेस फॉर कल्चर सर्वाइवल, और जो सूट टिप होगी वो क्या होगी बेटर होगी आर द चांस फॉर द कल्चर सर्वाइवल। अगर हम इस साइज की रखेंगे इन जनरली तो क्या होगी सूट टिप जो होगी वो सर्वाइव कर जाएगी अच्छे से। एंड फॉर गुड रिजल्ट ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन एक्सप्लांट शुड बी टेकन फ्राम द एक्टिवली ग्रोइंग सूट टिप्स, और जो अच्छे रिजल्ट के लिए हम क्या करें एक्टिवली ग्रोइंग सूट टिप से ही ये अपना जो है एक्सप्लांट मटेरियल लेते हैं। एंड द आइडियल टाइमिंग इज एट द एंड ऑफ द प्लांट डॉर्मेंसी पीरियड, और ये डॉर्मेंसी पीरियड के द एंड द आइडियल टाइमिंग, और जो अच्छी टाइमिंग होती है एक आइडियल टाइमिंग वो होती है वो क्या होती है इट इज़ द एंड ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट का एंड होने वाला होता है क्योंकि डॉर्मेंसी पीरियड डॉर्मेंसी का समय। एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीडिया फॉर मेरिस्टेम कल्चर आर एमएस मीडियम एंड वाइट मीडियम, और इसके लिए हम कौन सा मीडियम यूज करते हैं जनरली एमएस मीडियम और वाइट मीडिया, मुरासिगे एंड स्कूग मीडिया या वाइट मीडिया यूज करते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्टेज सूट टिप या सूट या बर्ड कल्चर की इसकी हम देखते हैं ये क्या है। हमने यहाँ से इतना ये सूट टिप कल्चर से यहाँ से मटेरियल लिया अपना सूट टिप और मेरिस्टेम, सूट टिप है ये और मेरिस्टेम ये हमने लिया, और इसको हमने क्या किया स्टरलाइज किया। स्टरलाइज करने के बाद इसको हमने मीडियम में ग्रो करा दिया। मीडियम में ग्रो कराने के बाद फिर क्या हुआ सूट डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे क्या हुआ सूट डेवलपमेंट होने के बाद ये विद एक्जिलरी सूट सूट डेवलपमेंट हो गया यहाँ पे। फिर क्या होगा फिर नेक्स्ट रूट डेवलपमेंट होगा यहाँ पे, सूट पहले ही हो चुका फिर रूट का डेवलपमेंट होगा फिर इसके बाद ये प्लांटलेट बन जाएगा हमारा, प्लांटलेट तैयार हो गया रूट और सूट होने के बाद हमारा प्लांट तैयार हो गया, और उसको हम पॉट में कल्चरिंग करा देंगे, मतलब पॉट में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम इसको, ये हमारा पॉट है इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये प्रोसेस है इसकी सूट टिप कल्चर की।
फिर इन स्टेज फर्स्ट द कल्चर ऑफ मेरिस्टेम इज इस्टेब्लिश्ड एडिशन ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर नेमली साइटोकाइनिन। स्टेज फर्स्ट में क्या करेंगे, हम साइटोकाइनिन को ऐड करेंगे एंड ऑक्जिन्स विल सपोर्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ऑक्जिन को भी डालेंगे, वो सपोर्ट करेगा किसमें, ग्रोथ और डेवलपमेंट में। फिर इन स्टेज सेकंड, ये पिछले जो स्लाइड हमने देखी उसका प्रोसेस, सूट डेवलपमेंट अलोंग विद एक्जिलरी सूट प्रोलीफरेशन अकर्स। एक्जिलरी सूट प्रोलीफरेशन के साथ ही वो क्या होगा, सूट का डेवलपमेंट होगा एंड हाई लेवल ऑफ साइटोकाइनिन आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज। और इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, साइटोकाइनिन बहुत हाई लेवल में ज़रूरी होता है। फिर स्टेज सेकेंड में इज एसोसिएटेड विद रूटिंग ऑफ सूट एंड फर्दर ग्रोथ प्लांटलेट। और उसके बाद क्या होगा, रूटिंग होगी और प्लांटलेट कंप्लीट हो जाएगा। और वो किससे होगा, साइटोकाइनिन से क्या हुआ हमारा सूटिंग, और ऑक्जिन से क्या हो जाएगा हमारा इन सूट डेवलपमेंट अलॉन्ग विद एक्जिलरी सूट प्रोलीफरेशन। हाई लेवल ऑफ साइटोकाइनिन आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज। जो सूटिंग होगी उसके लिए हाई रिक्वायर होगा क्या, साइटोकाइनिन। फिर स्टेज सेकेंड मीडियम एंड स्टेज थर्ड मीडियम शुड बी डिफरेंट इन कंपोजिशन। स्टेज सेकेंड और स्टेज थर्ड का मीडियम जो होगा वो डिफरेंट होगा एंड द ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर कल्चर इन दिस रेंज ऑफ 22-28 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर मेजॉरिटी 24-26 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टेम्परेचर होगा वो 24-26 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा एंड लोअर लाइट इंटेंसिटी, और उसमें लाइट की जो है इंटेंसिटी वो लोअर होगी एंड इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर गुड माइक्रो प्रोपोगेशन, और जो अच्छी होगी माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए। बड कल्चर है ये, फिर हम बड कल्चर देखते हैं। बड जो बड्स निकलती हैं उसका हम कल्चर कर लेते हैं, तो ये कल्चरिंग की सारी प्रक्रियाएं सेम है। बड कल्चर हो गया, जैसे ये प्लांट है, हमने इससे नोड आइसोलेट कर लिया और कल्चर कर दिया। जैसे यहाँ पे ये नोड है तो इसको हमने आइसोलेट कर लिया, ये नोड इतना लीफ निकाल दी, इसके साथ हमारी बड यहाँ पे आ जाती है। फिर उसके बाद सूट डेवलपमेंट हुआ, फिर रूटिंग हुई, रूटिंग ऑफ सूट्स, फिर उसके बाद क्या होता है, कंप्लीट प्लांटलेट बन जाता है। ये है सूट इनिशिएशन फ्रॉम नोडल पार्ट्स, पहला वाला ये सूट का इनिशिएशन हो रहा है नोडल पार्ट से। फिर रूटिंग, ये सब प्रोसेस है इसकी। एक्जिलरी बड कल्चर, तो एक्जिलरी बड कल्चर में क्या होता है, इन दिस मेथड ए सूट टिप अलोंग विद एक्जिलरी बड इज आइसोलेटेड। सूट टिप को हम कैसे करते हैं आइसोलेट, विद एक्जिलरी बड, एक्जिलरी बड के साथ उसको आइसोलेट कर लेते हैं एंड द कल्चर आर कैरिड आउट विद हाई साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन। और कल्चर में क्या होगा, हाई साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन होगा। फिर एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एपिकल डोमिनेंस स्टॉप एंड एक्जिलरी बड डेवलप, और एपिकल डोमिनेंस स्टॉप हो जाएगा और एक्जिलरी बड का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा एंड ए स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्जिलरी बड कल्चर और रोजेट प्लांट एंड इलांगेट प्लांट गिवन एज फॉलोज। ये एक्जिलरी वर्ड का क्या है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक्जिलरी बर्ड ली विद सूट टिप और उसको कल्चर करा दिया। इसमें कल्चरिंग कराने के बाद सूट डेवलपमेंट होगा, फिर एक्जिलरी ब्रांचिंग होगी उसमें, फिर क्या होगा, रूटिंग ऑफ। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिया, प्लांट से सिलेक्ट की एक्जिलरी बड। एक्जिलरी बड वो कैसी होगी, सूट टिप अलोंग विद एक्जिलरी बड, मतलब सूट टिप का हम कल्चर यहाँ पे कर एक्जिलरी बड का कर रहे हैं, तो सूट टिप जो होगी उसमें एक्जिलरी बड होगी, उसको हमने क्या किया है यहाँ पे कल्चरिंग करा दिया स्टरलाइज करने के बाद। फिर उसमें क्या होगा, सूट का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे हम साइटोकाइनिन यूज कर रहे हैं। फिर एक्जिलरी की क्या होगी, उसकी जो हमारा मटेरियल है उसमें ब्रांचिंग होगी, फिर ब्रांचिंग के बाद क्या होगी, उसमें
रूटिंग हो जाएगी और वो प्लांट कंप्लीट हो जाएगा। फॉर ए गुड एक्जिलरी वर्टिकल्चर द साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो अराउंड 10:1। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशियो 10:1 में रखेंगे। दिस हाउ एवर वेरिएबल एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्लांट स्पेसीज एंड द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द एक्सप्लांट यूज एंड इन जनरल जुवेनाइल एक्सप्लांट रिक्वायर लेस साइटोकाइनिन कंपेयर टू एडल्ट एक्सप्लांट। जो नया प्लांट होता है उसके कंपेयर्ड में क्या होगा, जो साइटोकाइनिन होगा वो एडल्ट प्लांट्स के अगेन कंपेयर में कम डोज उसके लिए चाहिए। एंड समटाइम द प्रेजेंस ऑफ एपिकल मेरिस्टेम में ट्रांसफर्ड विद एक्जिलरी सूट डेवलपमेंट एंड इन सच केसेस इट हैज टू बी रिमूव्ड। ऑर्गेनोजेनेसिस फिर आती है, ऑर्गेनोजेनेसिस की ऑर्गन का डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, जैसे बताया ही था पिछली स्लाइड में कि क्या होता है ऑर्गेनोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस है मॉर्फोजेनेसिस की, इसमें इन्वॉल्विंग द फॉर्मेट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है प्लांट के ऑर्गन का, जैसे सूट हो गई, रूट, फ्लावर, बड, फ्रॉम एक्स प्लांट। किससे, एक्स प्लांट से होता है आर कल्चर्ड प्लांट टिश्यू, या हमने कोई कल्चर की है प्लांट की टिश्यूज। इट इज टू टाइप, डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस एंड इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। ये दो तरीके की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। तो इनडायरेक्ट में क्या, डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होगा, उसमें क्या होगा, जैसे हमने कोई टिश्यू ली और उसको कल्चर कराया, कल्चरिंग कराने के बाद उसमें क्या हुआ, डायरेक्ट सूट फॉर्मेशन हुआ, रूट फॉर्मेशन हुआ और प्लांटलेट तैयार हो गया, हमारा प्लांट तैयार हो गया। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, उसमें क्या होगा, पहले हमने जब कल्चरिंग कराई कोई सेल, उसमें क्या होगा, कैलस का फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले क्या होगा, कैलस का फॉर्मेशन होगा, फिर होगा सूटिंग, रूटिंग, फिर प्लांटलेट। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमने आपको बताई दिया है ऑर्गेनोजेनेसिस का, ये इसका फ्लो चार्ट है, इनडायरेक्ट मेथड है और डायरेक्ट मेथड का। जैसे हमने प्लांट लिया, प्लांट से लीफ ली और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एक्स प्लांट आ गया। हमने क्या किया, इसका इसमें क्या हुआ, सूट हुआ, फिर रूटिंग हुई, रूटिंग के बाद कंप्लीट प्लांटलेट बन गया। फिर बी दूसरी मेथड है, उसमें क्या हुआ, एक्स प्लांट से क्या हुआ, कैलस का फॉर्मेशन हुआ, कैलस से सूटिंग हुई, फिर रूटिंग हुई, फिर प्लांट बना। तो ये हो गया इनडायरेक्ट। और फिर सी भी है इनडायरेक्ट, जैसे सस्पेंशन कल्चर, हमने सस्पेंशन सेल का कल्चर किया, सस्पेंशन सेल कल्चर द्वारा सूट हुआ, रूटिंग हुई, फिर प्लांटलेट बना। तो ये हो गया इनडायरेक्ट, ये दोनों इनडायरेक्ट में और ये डायरेक्ट मेथड। तो ये बात हो गई हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस की टाइप की, डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस और इनडायरेक्ट। फिर दूसरे फिगर में और बता रहे, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टली सूट और रूटिंग हुई, और यहाँ पे क्या हुआ, ये पहले कैलस बना, ये कैलस है, कैलस का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद इसमें सूटिंग हुई और रूटिंग हुई, तब प्लांट के ऑर्गन बने। तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। इन जनरल द बिगर एक्सप्लांट बेटर चांस फॉर ऑब्टेनिंग वेवल कैलस सेल सस्पेंशन कल्चर, इट इज एडवांटेजियस टू सिलेक्ट मेरिस्टमेटिक टिश्यू। इसके लिए जब हम कल्चर करते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा है सिलेक्ट करें हम मेरिस्टमेटिक टिश्यू, जैसे सूट टिप या लीफ एंड पेटियोल, फॉर इफिशियंट इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए। एंड दिस इज बिकॉज द इट ग्रोथ रेट एंड सर्वाइवल रेट इज मच बेटर, इसकी ग्रोथ रेट और सर्वाइवल रेट बहुत अच्छी होती है। और फॉर इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस द कल्चर में बी ग्रोन इन लिक्विड मीडियम और सॉलिड मीडियम,
इसमें क्या करते हैं, कल्चर करते हैं हम लिक्विड मीडियम या सॉलिड मीडियम में इनडायरेक्ट जीनोसिस के लिए। और मैनी कल्चर मीडिया जैसे एमएस मीडिया, V5 या वाइट मीडिया एक्सेट्रा यूज करते हैं, कैन बी यूज्ड इन ऑर्गेनोजेनेसिस में हम यूज कर सकते हैं। एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स इन द मीडिया इज क्रिटिकल फॉर ऑर्गेनोजेनेसिस। और जो कंसेंट्रेशन होता है वो क्रिटिकल होता है, उसके लिए हमने बहुत जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम कल्चर मीडिया को प्रोवाइड कराते हैं। फिर आता है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है कि, तो एम्ब्रियोजेनेसिस में जैसे हमने बताया था आपको कि एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, पहले एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है किससे, सोमैटिक सेल से। सोमैटिक सेल से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो हम उसको कहते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ रीजेनरेशन ऑफ एम्ब्रियो फॉर सोमैटिक सेल टिश्यू और ऑर्गन रिगार्डेड एज सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। जब रीजेनरेशन होता है एम्ब्रियो का, मतलब बनती है एम्ब्रियो किससे, फ्रॉम सोमैटिक सेल से या टिश्यू से या ऑर्गन से, इज रिगार्डेड एज सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को हम कहते हैं क्या, ये किसके किसके रिगार्ड में होता है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या हो गया, जब सोमैटिक सेल से या सेल से एम्ब्रियो का निर्माण होता है तब हम उसको क्या कहते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमैटिक एम्ब्रियो आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू जायगोटिक, वो जायगोट की तरह ही सिमिलर होता है उसका स्ट्रक्चर। एंड एम्ब्रियो एंड दे कैन बी एक्साइज फ्रॉम द पेरेंट टिश्यू एंड इंड्यूज जर्मिनेट इन टिश्यू कल्चर मीडिया। एंड टू रूट्स ऑफ सोमैटिक, इसके दो तरीके हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के, आर नोन एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हम देखते हैं कि डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, व्हेन द सोमैटिक एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली ऑन द एक्साइज प्लांट, मतलब जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है डायरेक्टली किससे, जो हमने एक्सप्लांट मटेरियल लिया है, विदाउट अंडरगोइंग कैलस फॉर्मेशन, इसमें जब कैलस का फॉर्मेशन नहीं होता है, डायरेक्ट एम्ब्रियो का निर्माण होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस, तब हम इसको डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एंड दिस इज पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्री एम्ब्रियोनिक डिटरमाइंड सेल, और ये पॉसिबल कब होगा, इसमें जब प्री डिटरमाइंड एम्ब्रियोनिक सेल प्रेजेंट होंगी इन सर्टेन टिश्यू ऑफ प्लांट, जो प्लांट की टिश्यू होंगी। और इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस, द कैलस द सेल फ्रॉम एक्स प्लांट आर मेड प्रोलीफरेटेड एंड कैलस फ्रॉम कैलस, जब इसमें क्या होगा कि हमने एक्सप्लांट यूज़ किया और फिर पहले कैलस का निर्माण हुआ उसके बाद एम्ब्रियो बना, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। ये इसकी और ऑर्गेनोजेनेसिस की क्या है, सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियो बनना है, वहाँ पे हमारा रूटिंग हो रही थी डायरेक्ट, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्ट में क्या होगा, डायरेक्ट उधर रूटिंग हुई और फिर रूटिंग, इधर क्या होगा, इसमें डायरेक्ट एम्ब्रियो बना, और इनडायरेक्ट में कैलस के बाद, उधर भी कैलस के बाद क्या हुआ था, शूटिंग हुई फिर रूटिंग हुई। तो एम्ब्रियोजेनेसिस इज मेड पॉसिबल बाय प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स। एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे पॉसिबल है, ग्रोथ रेगुलेटर द्वारा इन अप्रोप्रिएट कंसेंट्रेशन एंड अंडर सुटेबल एनवायरनमेंट कंडीशन, और अंडर सुटेबल एनवायरनमेंट कंडीशन उनके लिए अच्छी मिले, उसके अकॉर्डिंग सुटेबल हो, तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस बना, एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस पॉसिबल है। ये एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस है कि हमने प्लांट लिया, प्लांट है ये, एक प्लांट है हमारा, इससे क्या किया हमने, लीफ ली, मतलब एक्स प्लांट, फिर लीफ से हमने सैंपल लिया, वो क्या हो गया हमारा, एक्स प्लांट। एक्स प्लांट से क्या हुआ, हमारा डायरेक्ट क्या हुआ, एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो बनने के बाद क्या हुआ, इसमें हमारा प्लांट बना और नया प्लांट बन गया, और फिर इसमें क्या हुआ, इसमें कैलस बना, फिर उसके बाद कैलस के बाद इसमें प्लांट बना, तो क्या हो गया वो, या सस्पेंशन सेल कल्चर, जैसे एक्स प्लांट किया हमने, फिर सस्पेंशन सेल कल्चर किया, उसके बाद प्लांटलेट्स बना, तो क्या होगा वो, इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएगा।
ये जो है एक्स प्लांट, फिर ये कैलस बना, कैलस के बाद फिर क्या बना, सोमैटिक एम्ब्रियो, ये सोमैटिक हमारा एम्ब्रियो बना ये, तो उसके बाद फिर प्लांट लेट बना या सेल सस्पेंशन कल्चर हमने कराया, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैन बी कैरिड ऑन ए वाइड रेंज ऑफ मीडिया, इसको हम मीडिया पर ग्रो करते हैं, उसमें एमएस और वाइट मीडिया यूज करते हैं, एंड द एडिशन ऑफ अमीनो एसिड एल ग्लूटामिन प्रमोट्स एम्ब्रियोजेनेसिस, और जो अमीनो एसिड होता है एल ग्लूटामिन वो प्रमोट करता है एम्ब्रियोजेनेसिस को, और द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन सच एज 2,4-D, ऑक्सिन जैसे 2,4-D हो गई, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉलिक एसिटिक एसिड इज एसेंशियल फॉर एम्ब्रियो इनिशिएशन, और ये जो ऑक्सिन है इसका जो साल्ट है कौन सा 2,4-D, वो इनिशियल इनिशिएशन के लिए मतलब एम्ब्रियो को बनने को बनाने के लिए इनिशियल मतलब स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। ऑन ए लो ऑक्सिन और नो ऑक्सिन मीडियम, या लो ऑक्सिन हो या उसमें ऑक्सिन प्रेजेंट ना हो मीडियम में, तो द एम्ब्रियोजेनिक क्लम्स डेवलप इनटू मैच्योर एम्ब्रियो, तो वो जो एम्ब्रियोजेनिक जो क्लम्स होगा वो डेवलप हो जाएगा किसमें, मैच्योर एम्ब्रियो में। और इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इज कॉमनली वेरी अट्रैक्टिव सिंस ए लार्ज नंबर ऑफ एम्ब्रियो कैन बी जनरेटेड इन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर मीडियम, जब हमें स्मॉल वॉल्यूम कल्चर मीडियम में मतलब कम कल्चर में अधिक एम्ब्रियो का डेवलप करना, उसके लिए बहुत ही अच्छा ये मेथड है इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। एंड द सोमैटिक एम्ब्रियो सो फॉर्म्ड बाय सिंक्रोनस विद गुड रीजेनरेशन कैपेसिटी। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन, एप्लीकेशन इसकी क्या क्या है, जैसे हाई रेट ऑफ प्लांट प्रोपागेशन, इसके द्वारा हम बहुत ही ज़्यादा प्लांट को प्रोपागेट कर सकते हैं हाई रेट में, बहुत ही ज़्यादा, थ्रू द माइक्रो प्रोपागेशन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट कैन बी ग्रो फ्रॉम ए पीस ऑफ प्लांट टिश्यू, एक पीस हम लेंगे प्लांट टिश्यू का और उससे बहुत सारे प्लांट डेवलप कर सकते हैं किसमें, शॉर्ट पीरियड में, कम समय में। एंड अनदर एडवांटेज इज द माइक्रो प्रोपागेशन कैन बी कैरिड आउट थ्रू द ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ सीजनल वेरिएशन, जो सीजनल वेरिएशन आता है, और इसमें क्या होता है फिर प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट, डिजीज फ्री प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, या कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस होती है, इसमें क्या होती है माइक्रो प्रोपोगेशन में क्या होते हैं, बहुत सारे प्लांट को तैयार करने के लिए इसमें क्या है कि कम जगह की आवश्यकता होती है, मिनिमम ग्रोइंग स्पेस, इसके लिए बहुत कम ग्रोइंग स्पेस की आवश्यकता होती है, दस मिलियंस ऑफ प्लांट स्पेसीज कैन बी मेंटेन इनसाइड कल्चर वेल स्मॉल रूम या नर्सरी, स्मॉल रूम में ही हम बहुत मिलियंस प्लांट्स को इनको मेंटेन कर सकते हैं, किसके द्वारा, माइक्रो प्रोपेगेशन द्वारा। प्रोडक्शन ऑफ सीड इन सम क्रॉप, और प्रोडक्शन कर सकते हैं हम सीड का, जैसे माइक्रो प्रोपेगेशन थ्रू एक्जिलरी बड प्रोलीफ्रेशन मेथड इज सुटेबल फॉर सीड प्रोडक्शन इन सब प्लांट, दिस इज रिक्वायर्ड इन सर्टेन प्लांट वर लिमिटेशन सीड प्रोड्यूस हाई डिग्री ऑफ जेनेटिक कंजर्वेशन, एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर और ओनियन, कॉलीफ्लावर है और ओनियन है, ये क्या है हाई डिग्री जेनेटिक कंजर्वेशन स्पेस मतलब ये क्रॉप्स है, तो इनका हम सीड क्या है प्रोडक्शन कर सकते हैं किसके द्वारा, माइक्रो प्रोपोगेशन द्वारा। इन दिस ओनली वेवल मेथड ऑफ रीजेनरेटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल आफ्टर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, एंड माइक्रो प्रोपोगेशन ऑफन प्रोड्यूस मोर रोबस्ट प्लांट लीडिंग टू एसिलेटेड ग्रोथ कंपेयर्ड सिमिलर प्लांट प्रोड्यूस बाय कन्वेंशनल मेथड लाइक सीड और कटिंग। फिर आता है डिसएडवांटेज, कंटामिनेशन ऑफ कल्चर, कंटामिनेशन हो गया अगर कल्चर का तो सभी प्लांट नष्ट हो जाएंगे, और ग्रेविंग ऑफ मीडियम, माइक्रो प्रोपोगेशन ऑफ सर्टेन प्लांट इज ऑफन एसोसिएटेड विद एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रोथ इनहिबिटरी मीडियम, केमिकली दीज सबस्टेंस आर फिनोलिक कंपाउंड विच कैन टर्न ऑन मीडियम इन टू डार्क कलर, फिनोलिक कंपाउंड आर टॉक्सिक एंड कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ टिश्यू, और जो फिनोलिक कंपाउंड होता है वो टॉक्सिक होता है और वो क्या करेगा टिशू की ग्रोथ को रोक देगा, तो ये इसके
डिसएडवांटेज है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाती है उसमें और विट्रीफिकेशन हो जाता है। और फॉर सम क्रॉप माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक्स एक्सपेंसिव इक्विपमेंट सोफिस्टिकेटेड फैसिलिटी, और कुछ क्रॉप्स में जो माइक्रो प्रोपगेशन होता है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है, एक्सपेंसिव होता है, खर्च ज़्यादा आता है उसमें, इसलिए इसकी और उसके कुछ लिमिटेड यूज़ भी हैं माइक्रो प्रोपगेशन के। तो आज हमारी बात हुई माइक्रो प्रोपगेशन पे, माइक्रो प्रोपगेशन पे आज हमारी बात हुई कि माइक्रो प्रोपगेशन क्या है, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस पे। तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसको हम अगली क्लास में उसको आपका जो जो भी डाउट है उसको क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू।